अच्छा जी, हम लोग जो है वो ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि हम लोग जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेके फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस लिखने होते हैं। डेबिट साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट लिखने। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कैश है। कैश हम लोगों ने 80,000 लिखा। देन स्टोर सप्लाईज जो है उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोगों ने की थी कि स्टोर सप्लाईज 3500 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो 3500 से क्रेडिट करेंगे इसको। ठीक है, स्टोर सप्लाईज को। और क्रेडिट होने का मतलब है माइनस करेंगे स्टोर सप्लाईज 5000 का बैलेंस आ रहा था यहाँ पे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 5000, उसमें से माइनस करेंगे 3500, ये आ जाएगा 1500। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर देखिए, हमारे पास इसका कॉस्ट बैलेंस है 3600 रुपीज का। ठीक है, हमारा फर्नीचर का बैलेंस है 3600 का। देन उसमें कोई भी नहीं है। देखिए, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है उसमें डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट है इफेक्ट हो रहे हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट होता है, फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी उसमें नहीं करेंगे। फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा 7600 रुपीज का। देन नेक्स्ट इंश्योरेंस हमारा अकाउंट है, इंश्योरेंस 8500 रुपीज की आ रही है। और देन देखिए, इंश्योरेंस का अकाउंट हमारा यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस देखिए हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे देखिए 3500 से हमारा क्रेडिट हो रहा है, ओ सॉरी 1500 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट होने का मतलब ये है कि हम लोग एक्सपेंस क्रेडिट होता है तो उसको माइनस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें, जो हमारे पास इंश्योरेंस 8500 आ रहा है बैलेंस, उसमें से 1500 माइनस किया तो 7000 के अमाउंट हमारे पास आ गई हमारी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अभी हम जो जो एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट ले रहे हैं, हम उनको हाईलाइट कर रही हूँ, आप अपने पास उनको मार्क करते जाएंगे ताकि हम लोग जो है एक सीक्वेंस से काम करते जाए। नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट बैलेंस आ रहा है। हम लोग जो ये हमें अकाउंट बैलेंसेस की जो अरेंजमेंट इधर दी हुई है उसी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट बैलेंस आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 9000 का बैलेंस आ रहा है। और आपने देखा, हमने प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टिंग एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो रही है 4500 से। ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रहा है 4500। और ऑलरेडी हमारे पास उसमें ट्रायल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ रही 9000 की। 9000 में 4500 ऐड किया तो क्रेडिट बैलेंस हमारा हो गया 13500 का। नेक्स्ट हमारे पास जो है अकाउंट आ रहा है अकाउंट्स पेएबल के नाम से, हमारा आ रहा है 8500 का। अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है 8500 का। और यहाँ पे देखिए, हमने अकाउंट्स पेएबल के नाम से ये सैलरीज एक्सपेंस में अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया हुआ 3000 से। तो इसका मतलब है अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट नेचर का है और 3000 से फिर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ऐड होगा। अकाउंट्स पेएबल में 8500 का बैलेंस आ रहा था, एडवांस में 3000 ऐड किया, क्रेडिट साइड पे हमारा अकाउंट बैलेंस आ गया 11500 अकाउंट्स पेएबल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है अकाउंट्स पेएबल के बाद नेक्स्ट हमारा अकाउंट है सेल्स रेवेन्यू का। सेल्स रेवेन्यू में यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री में कहीं पे भी हमारी सेल्स इफेक्ट नहीं हो रही, इसलिए जितना यहाँ पर सेल्स का बैलेंस आ रहा है उतना ही एज इट इज लिख देंगे। देन है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, वो भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहे, वो भी एज इट इज लिख देंगे। वेजेस आ रही है 10,000 की, वेजेस का जो जो अकाउंट है इफेक्ट नहीं हो रही उनको एज इट इज जो ट्रायल बैलेंस में फिगर आ रही है वही वाली लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेल्स रिटर्न, वो भी नहीं इफेक्ट हो रही, वो भी लिख देंगे। नेक्स्ट है कमर्शियल एक्सपेंसेस। कमर्शियल एक्सपेंसेस भी हमारे एडजस्टिंग एंट्री में कहीं पे भी नहीं यूज हुए, इसलिए वो भी एज इट इज आ रही है। नेक्स्ट अब सेकेंड कॉलम देखिए, हमारा यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल देखें 3520 के, अकाउंट्स रिसीवेबल पे भी नहीं इफेक्ट हो रही, इसलिए हम एज इट इज लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट की हमने एडजस्टिंग एंट्री की हुई है, यहाँ पे प्रीपेड रेंट क्रेडिट हुआ हुआ है हमारा 9240 से क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब है हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे।
ठीक है, क्योंकि प्रीपेड रेंट जो है वो एसेट है, एसेट क्रेडिट होगा तो माइनस करेंगे हम 11240 का जो बैलेंस आया हुआ था उसमें से हम लोग 9240 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस प्रीपेड रेंट का जस्ट क्रेडिट का 2000। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, उसकी भी हमने एडजस्टिंग एंट्री की हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर की। यहाँ पे है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, देखिए हमारे पास आ रहा है 532 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। हमारे पास ट्रायल में आ रहा है 1520, उसमें ऐड करेंगे 532 तो ये आ जाएगा 2052। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अकाउंट बैलेंस आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। देन कैपिटल है 165,000, वो भी एज इट इज लिख देंगे। देन क्रेडिट साइड पे ड्राइंग्स है 31,000 की, ये भी नहीं इफेक्ट हो रही। सैलरीज एक्सपेंस है वो 9,500 की, हमने यहाँ पर डेस्टिंग एंट्री में सैलरीज की एंट्री की हुई है जो पेबल, सैलरीज एक्सपेंस 3,000 से डेबिट किया हुआ, डेबिट किया इसका मतलब ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सैलरीज जितनी ट्रायल बैलेंस में आ रही थी क्योंकि 9,500 है उसमें ऐड करेंगे 3,000 तो ये आ जाएगा 13,500। आफ्टरवर्ड्स जो है नेक्स्ट वन है परचेजेस, परचेजेस हमारे पास आ रही है 95,000 की, वो भी नहीं इफेक्ट हो रहा अकाउंट। परचेजेस रिटर्न जो है वो भी नहीं इफेक्ट हो रहा, वो करेंगे जो है वो भी एज इट इज लिख देंगे। परचेजेस रिटर्न जो होती है वो क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न डेबिट होती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट होते हैं, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, परचेजेस डेबिट होती है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होती है, थोड़ा सा आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है इसमें हमारे पास जो अकाउंट बैलेंस रह गया ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो हम लोगों ने एज इट इज लिख दी 45,000 की। ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 5,000 की। यहाँ पे देखें यहाँ पे जितने हमने अकाउंट बैलेंस है हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वो हम लोगों ने आगे विद इफेक्ट जो हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट लेके वो सारे हम लोगों ने लिख दी, लेकिन अब हमने वो अकाउंट बैलेंसेस लिखने हैं जो हमारे जो हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज में रह गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज वाले लिखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया 35,000 से, तो यहाँ पे हम लोग 35,000 के यहाँ पे नया अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। ठीक है, 35,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, देन हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट किया 35,000 का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी कोई अकाउंट हेड नहीं आ रहा था, इसको भी हम लोग कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 35,000 से, कॉस्ट ऑफ सेल्स को 35,000 से क्रेडिट कर दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन कौन से रह गए, स्टोर सप्लाइज कंज्यूम 3,500 की वो लिख देंगे, स्टोर सप्लाइज कंज्यूम 3,500 की डेबिट हो रही है तो यहाँ पे लिख देंगे स्टोर सप्लाइज कंज्यूम, ये देखिए स्टोर सप्लाइज कंज्यूम 3,500 की हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, अब जो अकाउंट बैलेंस देनी है आपने जैसे जो डेबिट है डेबिट साइड पे लिख देना, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिख देना, जो एडजस्टिंग एंट्री के जो जो अकाउंट रह गए वो सारे लिख देना। ठीक है, रेंट एक्सपेंस रहता है 9,240 का वो लिख देंगे, 9,240 का रेंट एक्सपेंस, 9,240 से रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। देन प्रीपेड एक्सपेंस है 1,500 से डेबिट हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 1,500 से डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दिया। देन सैलरीज के तो दोनों अकाउंट बैलेंसेस यूज हो गए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारी 4,500 और 532, तो हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर दोनों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख देंगे 4,500 532। अब जिस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं डेबिट और साइड क्रेडिट साइड इक्वल है तो हमारा ठीक है ट्रायल, तो इसी तरह हम ट्रायल बैलेंस में भी चेक करते हैं कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है तो इट्स बीन हमारा ट्रायल बैलेंस हमने ठीक बना लिया। लेकिन इसमें भी कोई वही बात आ जाती है कि बैलेंस शीट में भी जैसे गलती भी हो तो तब भी अगर आपका डेबिट वो दोनों बैलेंसेस एसेट और लाइबिलिटीज का इक्वल आ जाता है तो इसमें भी ये कोई ये नहीं है 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ गए हैं तो 100% श्योर है कि आपने सारी एंट्रीज ठीक। कभी कभार अगर आप गलत एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत डाल दी तो दोनों की तरफ इफेक्ट आ जाएगा, तो बैलेंसेस तो इक्वल आ जाएंगे लेकिन गलती हो जाती है, लेकिन जो गलती होती है सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट आएगा बाकी के ऊपर नहीं आएगा। अब ये तो हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्री का जो टॉपिक था
वो भी कर लिया, इसने कहा एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाए वो भी कर लिया। अब अगला काम है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में अब आपका इसमें कोई भी काम नहीं रह गया, आपने जस्ट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस। बट जी जी नहीं मैम, जी मैम कुछ नहीं हो भाई। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रहेगी। अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में आपका कोई काम नहीं है, आपने जस्ट यहाँ से फिगर्स पकड़नी है और पुट कर देनी है। ठीक है, अब आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं। ठीक है, आपने जस्ट फिगर्स पकड़नी है और पुट करनी है। देखिए जैसे हम लोग पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट्स वगैरह यहाँ पे की थी, आप कुछ भी नहीं कैसा करना, आपने जस्ट वैल्यूज पकड़नी है और इसमें कर देनी है पुट। ठीक है, ये देखिए हमें पता है फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। देखिए सेल्स हमारे पास आ रही हैं, सेल्स की फिगर लिख देनी है, सेल रिटर्न की फिगर लिख देनी है, यानी इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अब बनाना क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इधर से ट्रायल बैलेंस में से कैश की दर आना चाहिए, कैश है करंट एसेट में आता है, कैश की फिगर लिख देंगे यहाँ पे 80,000 है, 80,000 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें कहा है स्टोर सप्लाईज 1500 के, स्टोर सप्लाईज भी करंट एसेट में आता है, स्टोर सप्लाईज कितने की है 1500 की, स्टोर सप्लाईज 1500 की। ठीक है, कुछ वैल्यू कोई हमारा इससे रिलेटेड काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट में आता है, फर्नीचर यहाँ पे लिखेंगे हमारा कितने का। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की, ये देखिए। ठीक है, बस आपने इसमें फिगर पुट करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है और यही आपका काम है। आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह आपका इनकम स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट जो आएगा इसकी फिगर को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कैपिटल में, ड्राइंग्स भी दी हुई है ड्राइंग को लेस करेंगे, और बाकी आपका जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए आपने सारा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेने हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2018 का हो गया, अब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई करते हुए तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके जी।